लोकेशन हो तो भाई ऐसी क्या ही मजेदार है ना, काश मेरे को कोई यहाँ थोड़ी सी जमीन दे दे, मैं अपना सेटअप बनवा लूँ ज्ञान थेरेपी का, क्या ही मजा आएगा ना यहाँ पे। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ भाई जीप कंपस का एक एक्सपीरियंस, कैसा रहा मेरा। सात हजार किलोमीटर चला लिया, एक सर्विस हो चुकी है और मैं थोड़ा ऐसा ड्राइवर हूँ, मतलब जैसे होता नहीं गाड़ी का थ्रोटल का यूज करता हूँ अच्छे से, तो मुझे 10 या मैक्स टू मैक्स 11 ये एवरेज मिलता है इससे, ये मैक्स बता रहा हूँ, नहीं तो 10 ही मान के चलो आप। इट डिपेंड्स, ये भी होता है कि आप कहाँ ड्राइव कर रहे हैं और कैसे ड्राइव कर रहे हैं। और टाइम हो चुका है 6 महीने ज्यादा, और ये ऐसी गाड़ी है भाई जिससे मैंने ड्राइविंग भी सीखी सीधा। तो काफी लोग कह रहे थे भाई इसका एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, और जीटी प्लस चैनल पे ये वीडियो बता के आप ना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना कि क्या कभी कभी हम लोग डिफरेंट कार का एक्सपीरियंस शेयर करें क्या, है तो टेक का ही पार्ट, थोड़ा अलग हो जाएगा और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ट्राई करते आप लोग बताना, मैं जानना चाहूंगा कॉमेंट में। अभी वो महिंद्रा आई ना स्कॉर्पियो N, बहुत मन है मेरा उसका एक्सपीरियंस शेयर करने का, बस फोन की तरह उसको खरीद नहीं सकते, मैनेज करना पड़ेगा। शुरू करूंगा मैं गाड़ी को, प्रोज एंड कॉन्स, इसके अंदर कुछ कमियां भी लगी भाई और कुछ चीजें काफी कमाल की लगी, वो सारा शेयर करूंगा और बैक साइड से शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे पहली कमी यही है, ये है मेन चाबी। पहली चीज जो मैं मेंशन करना चाहता हूं ना, अगर जैसे इसको डबल टैप करते हैं भाई, इसका ना पीछे बूट स्पेस या टेल गेट जो भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट ओपन हो जाएगा, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से, और बंद करने के लिए वैसे यहाँ पे ऐसे बटन भी दे रखा है, और साथ में इसे डबल टैप करते हैं तो ये बंद भी हो जाता है, बंद होके ऐसे एक आवाज आती है। अब मेन मुद्दा जो मेरे को इस गाड़ी में लगा, जिंदगी में कुछ चीजें मैनुअल बहुत सुखी होती हैं, होता क्या देखो, एक नॉर्मल बंदे को आप क्या करोगे, सामान दोगे, या कई बार होता नहीं आपका कोई जानकार है, प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, उसने अपना बैग रखा या आपका दोस्त आया मिलने, आप गाड़ी में बैठे हो ना, वो आएगा पीछे सामान रखेगा, वो क्या करेगा, उसकी आदत क्या होगी, पकड़ेगा बंद कर देगा, और देखो ये आराम से हो जाएगा, दिक्कत कोई नहीं। अगर मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे करूं तो ये कुछ ऐसे जाके बंद हो गया, राइट, और यहाँ से वैसे मैनुअल भी खुल जाता है, लेकिन अगर इसको तेजी से इसको बंद कर दो ना, तो इसका मोटर और सेंसर का अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, उस टाइम क्या होगा आपका ये बंद हो जाएगा, फिर ये खुलेगा नहीं, फिर अंदर से इसको खोलना पड़ता है, 2 बार हो गया मेरे साथ ऐसा। हालांकि एक चीज बताऊं, सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जीप का जो सर्विस है जो लखनऊ में सर्विस सेंटर है बहुत बड़ा नहीं है, बट भाई बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, बिल्कुल भी चीप एक्सपीरियंस नहीं देते, और सही करके दे दिया। और मैंने इसका कॉस्टिंग पता करी थी, उनके हिसाब से 55,000 रुपए का लगता अगर आउट ऑफ वारंटी हो जाए, मैंने उनको कहा भाई ये नया लगा दो कल को दिक्कत करेगा, क्योंकि उनका कहना ये सभी जीप में ऐसा नहीं होता, कुछ में ये इश्यूज देखने को मिले, वो एग्री भी कर रहे थे, आपके पास किसी के पास जीप होगा तो बताना है क्या ऐसा कुछ। मैंने उनको कहा भाई चेंज कर दो, तो उनका कहना अभी है नहीं हमारे पास, हम चेंज करवा देंगे, तो मैं सोच रहा हूँ वारंटी से पहले चेंज करवा लूँ, क्योंकि 55,000 का चूना तो नहीं लूंगा मैं। ये आ रही राजा गाड़ी है, मैनुअल वाले का वैसे सही बताऊँ ज्यादा मजा है, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे आप सामान लेकर आ रहे हो डबल टैप कर दिया तब तक ओपन हो जाता है। बाकी गाड़ी की लंबाई में कोई कमी नहीं है, गाड़ी काफी लंबी है, अगर आप ध्यान से देखोगे रोड पे चलती है तो, मतलब इसको जब मैं मोड़ता हूँ ना, तो बिल्कुल जैसे लंबी गाड़ी एक होती है ना मोड़ने में टाइम लेती है, बिल्कुल वैसा ही लगता है। हाइट इतनी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से XUV700 ज्यादा हैवी फील होती है, हैरियर ज्यादा हैवी फील होती है, बट अदरवाइज इसका जो बूट स्पेस है, बूट स्पेस काफी स्पेस मिल जाता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। और मेन जो मुझे इस गाड़ी के पसंद आते हैं वो भाई इसके लुक्स, मेरा फेवरेट कलर व्हाइट है, बिकॉज रीजन बहुत सिंपल है, अगर इसको आप ऊपर से देखो ब्लैक है पूरा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ क्रोम फिनिश आता है ब्लैक, फिर ये मिरर है, उसके बाद व्हाइट कॉम्बिनेशन। एक और चीज है, जीप में ये वाला चीज ऐसे थोड़ा बॉक्सी शेप में होता है, बाकी में सर्कुलर होता है, बट नॉट श्योर अबाउट महिंद्रा, उसमें भी काफी सारी चीजें जैसे होता है ना महिंद्रा वाले उठा लेते हैं थार रेंगुलर से, तो ये जीप की एक पहचान की लिस्ट में आती है। तो ओवरऑल जो मतलब बाहर गाड़ी निकल के आती है कॉम्बिनेशन काफी मस्त लगती है मेरे को। तो ये वाला जो मॉडल है मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी। मेरे पास है भाई 4x2 मैनुअल डीजल लिमिटेड एडिशन, ऑन रोड प्राइस 28 लाख के आसपास, और इतना पैसा देने के बाद क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, लेकिन मेरे लिए क्या रहा, जैसे मैंने क्योंकि यही गाड़ी से सीखा तो मेरे को आदत हो गई, मेरे को नहीं पता लगता कि उसका कितना ज्यादा यूज होने वाला था, बट प्रैक्टिकली वो यूज होता होगा हाईवे वगैरह पे, मैं जानता हूँ जो उसका काम है। उसके अलावा भाई गाड़ी की मजबूती सॉलिड है, मैं इसके ऊपर एक बार खड़ा हो चुका हूँ, कुछ भी नहीं हुआ था, सॉलिड सी फील होती है, चाहे ये बंद करना हो दरवाजों को, मतलब सेफ्टी तो मेरे माइंड में थी ही थी, बिकॉज मैंने टाटा हैरियर लेना था, क्यों, क्योंकि टाटा है मजबूत है, तो मुझे जब हैरियर नहीं लिया, अभी बताता हूँ क्यों अंदर चल के, लेकिन जब उसे नहीं लिया तो डेफिनेटली मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो SUV हो प्लस सेफ हो। इस गाड़ी के अंदर जैसी आते हैं ना, ये गाड़ी आपको खुश कर देती है इसके इंटीरियर से, बिकॉज अगर इसका ओवरऑल डैशबोर्ड और इंफोटेनमेंट सिस्टम देखोगे ना, ये आपका सॉफ्ट टच है, उसके बाद यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग है, जो AC के लिए इन्होंने सिस्टम जिस तरीके से दिया है, फिर ये आपका एक लेदर फिनिशिंग के साथ ये है भी, और साथ में ये स्टिचिंग वाली फिनिशिंग, और ये अलग से क्रोम फिनिशिंग, अलग कलर,
और जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन निकल के आता है ये पूरा आप देख रहे हैं ना, ये इसको काफी डिफरेंट सा लुक देता है। और ये जो बटन्स वगैरह हैं ये भी थोड़ी प्रीमियम फील होती है, ऐसा नहीं मतलब चीप सी नहीं लगती। और दूसरा खास पॉइंट है भाई इसका डिस्प्ले, डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है। तो इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाता है। स्पीकर काफी अच्छे हैं, लाउड है और बेस भी अच्छा है। सुपर लाउड मुझे पसंद भी नहीं है, मैं गाड़ी में सुनना भी पसंद नहीं करता। एक चीज बताऊं, रियल लाइफ में मेरे ये टाइप सी पोर्ट है, ये टाइप ए वाला है ना, टाइप सी वाला है ना जो इसका, इसके अंदर एक चीज दिखाता हूँ। ये टाइप सी वाला है, हमारे पास गैजेट सीरीज जिसने वीडियो देखी होगी, ये केबल पड़ी है ना, इसके अंदर 10 वोल्ट आ रहा है देखो आउटपुट। यहाँ पे वोल्टेज और एम्पियर का भी चक्कर होता होगा, 10 वोल्ट जो भी हो, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत फास्ट है। मैं अपना DSLR भी कई बार चार्ज कर लेता हूँ। टाइप ए वाला स्लो है और ये लिमिटेड एडिशन है, तो यहाँ पे भाई कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलता। मैं अपना वॉलेट रखता हूँ यहाँ पीछे। यहाँ पे एक टाइप ए मिलता है और ये 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है अलग से, हालांकि उनको कभी मैंने यूज नहीं किया। मैंने कहा ना इस गाड़ी में ज्यादा लोग चलते नहीं है। रियल लाइफ में मैं यहाँ पे भाई की लगाता हूँ इसके, यहाँ पे ऐसे खुशबू महकाने वाला डब्बा सा खत्म हो गया अभी, और यहाँ फोन रख देता हूँ। और ये वाला जो इसमें स्पेस ठीक ठाक है, बड़ा इसमें काफी सारा सामान है, तो मेरे लिए थोड़ा सा स्पेस आई विश यहाँ कहीं पे और होता है का था, वो बिल्कुल नहीं दिया। बाकी सब जो ये सब है ना, मैंने ये तो कह दिया इंटीरियर काफी प्रीमियम है, यहाँ पे सारा पैसा वसूल लगता है मेरे को। इसी की वजह से हैरियर को रिजेक्ट कर दिया मैंने। उसके अंदर मैं गया भाई, मैंने जब इसके क्लच को दबाया, मुझे मैनुअल लेना था, वो इतनी ज्यादा मेरा पैर स्ट्रेट चला जाता है, और मैं अपनी कंफर्टेबल सीट पे, उन्होंने पता नहीं ये वाली चीज कैसे डिजाइन करी है, मेरा ये पैर यहाँ लड़ता था उसके अंदर। लेकिन जब मैं हैरियर से कंपेयर करता हूँ, मैंने यूट्यूब वीडियो देखी भाई, उनमें बताया जाता है थोड़ी सी प्रीमियम है जीप कंपस में भी, ये लाइन बैलेंस करने के लिए बताया जाता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा मतलब दोनों में निकाल देते हैं। बहुत बहुत ज्यादा फर्क है टाटा हैरियर के इंटीरियर में और जीप कंपस के इंटीरियर में। टाटा को अपग्रेड करने की जरूरत है। लेकिन एक चीज है, अगर जैसे टाटा हैरियर बगल में लाके खड़ी कर दो ना, स्पेशली ब्लैक कलर में, उसका रोड प्रेजेंस बहुत तगड़ा लगता है। तो ये अपना अपना ओपिनियन है कि आप गाड़ी को किस तरह से लोगों को ज्यादा रोड प्रेजेंस दिखाना चाहते हो कि खुद मजे लेना चाहते हो ड्राइविंग का। ओके, बात करते हैं ड्राइव एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले पिकअप की बात करेंगे, 170 BHP, एक्चुअली 168 BHP का इंजन है, काफी रिफाइन है इंजन। इंजन नॉइज वगैरह ऐसे ज्यादा नहीं आती, थोड़ी बहुत तो आती है, लेकिन अगर आप म्यूजिक अक्सर म्यूजिक वगैरह सुनते हुए जाते हैं तो दिक्कत नहीं होती। बेस्ट पार्ट मुझे इसके अंदर क्या लगता है, इसका जो ये हैंड रेस्ट बोलते हैं ना इसको, मैंने बहुत सारी गाड़ी में देखा है, ये क्या होता है थोड़ा पीछे ही रह जाता है, तो जिनके हाथ छोटे हो या फिर मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं, ये काफी आगे आ जाता है, तो हमेशा काफी सही से कंफर्टेबल रहता है। ये मैनुअल का जो मजा है जिंदगी में, तो काइंड ऑफ इनसे पिकअप हो चाहे इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है, इट जस्ट वाओ। ये देख सकते हो आप, पूरी गाड़ी में कंट्रोल कर सकता हूँ बहुत ही मजे से। एक चीज नोटिस किया मैंने, स्टेयरिंग इसका बहुत ज्यादा लाइट नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है, तो एक मतलब डिपेंड आप कैसा पसंद करते हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस अच्छा देता है। और अगर बात करें ब्रेकिंग की, लाइक अभी हमारी गाड़ी 100 प्लस है, और अगर सामने कोई गाड़ी आती है तो इजीली मैं इसको आराम से यहाँ पे रोक सकता हूँ। तो ये गाड़ी चलाते हुए ना एक कॉन्फिडेंस रहता है, विश्वास रहता है कि हाँ मैं इसको भाई किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल कर सकता हूँ, चाहे इसका स्टेयरिंग हो या फिर इसका ब्रेक हो। और भाई यहाँ का लोकेशन देखोगे आप, जैसे मूवीज में आप देखते हो ना पुलिस हेडक्वार्टर, ये देख लो आप, तो ये रोड ना यहाँ आगे जुड़ता है। वैसे तो ये है फिनिक्स प्लाशियो, और इस तरफ बगल में क्या है स्टेडियम, यहाँ से अक्सर आप लोग क्रिकेट देखते हैं लाइव, जिसका प्रसारण होता है, प्रसारण प्रसारण बोलते हैं। और मैं अगर चाहूंगा, इनफैक्ट आप में से कोई हो और इस गाड़ी को इन फ्यूचर इंटरेस्टेड हो लेने में, तो मैं कहूँगा फीचर्स बाद में, अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको गाड़ी चलाने का शौक है, बस जाओ और इस गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस लो आप। और गाड़ी में जैसे ये गियर है ना, इसके ऊपर कोई वाइब्रेशन फील नहीं होता, स्टीयरिंग काफी मतलब कोई वाइब्रेशन फील नहीं होता, फील होता है ये वाला जो पार्ट है ना, ये हॉर्न वाला पार्ट, इस पे क्योंकि ये ऐसे लूज है ना, तो इस पे वाइब्रेशन गाड़ी में फील होगा। इसको अगर आप देखोगे ना, गाड़ी स्टैंड बाय मोड में है, बस स्टार्ट कर दो इंजन को, तो हल्का हल्का वाइब्रेट करता रहता है, हालांकि जब आप इस पे हाथ रख देते हो तो इतना ज्यादा फील नहीं होता। देखो भाई, कुछ लोग पूछते हैं ना कि मतलब 4x4 क्यों नहीं लिया, इतना बाइक क्या ही है, मतलब 4x2 कौन लेता है, मेरे को कहाँ टाइम होता है दोस्तों जाने का, मतलब मैं कहीं जाऊँ, मतलब आप समझ रहे हैं ना, ज़्यादा ऑफ रोडिंग करने का टाइम नहीं मिलता। बस मैंने ये जो लिया है 4x2 के साथ, मुझे इसमें इतना स्पेस है, मतलब नीचे की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं, कोई भी गड्ढा हो शहर में, जितने ब्रेकर होते हैं कोई भी गड्ढा होता है, मुझे एक बार भी सोचना नहीं पड़ता कि यहाँ से निकलेगी कि नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं होती, मस्त निकल जाती, तो मेरे लिए इतना काफी था। ये गाड़ी भाई छोटी छोटी चीज़ों का कितना अच्छा ध्यान दिया है, अगर आप देखोगे यहाँ एक लाइट है, इस पे से ना रात के टाइम जब ड्राइविंग करते हैं, वहाँ से एक हल्की सी छोटी सी लाइट दिख रही है, इस लाइट से सीधा आपके गियर बॉक्स पे आके, मतलब इस गियर वाले सिस्टम पे आके लाइट पड़ती है, और पता नहीं लगता वो एक्चुअली में आ कहाँ से रही है। कुछ लोग कंफ्यूज आते हैं अक्सर कि इसमें ना म्यूजिक कंट्रोल के लिए यहाँ सिस्टम नहीं दे रखा, भाई यहाँ नहीं है इसका सिस्टम, एक जॉयस्टिक टाइप दे रखा है, एक इधर और एक इधर भी है, एक से आप म्यूजिक को आगे पीछे कर सकते हैं,
यहाँ से वॉल्यूम आगे पीछे कर सकते हैं। आप बैठे बैठे ना आपका हाथ यहाँ पे अपने आप फिट बैठता है। इस पोजीशन पे कब आप म्यूजिक को चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, सामने वाले को पता भी नहीं लगता। एक फीचर और है 120-700 में दे रखा ना, डोर ओपन करके अंदर आते हैं, सीट पीछे आती है फिर आगे आती है। यहाँ ना मेमोरी सीट दे रखा, दो लोगों को सेव कर सकते हो। जैसे वन दबाएगा तो पहली पोजीशन पे चला जाएगा, दो दबाएगा तो दूसरी पोजीशन के ड्राइवर सीट पे चला जाएगा। और लिमिटेड एडिशन में ड्राइवर सीट ऑटोमेटिक है, बगल वाली सीट मैनुअल है। जैसे मैंने इसका गेट खोला, नीचे पानी है या क्या कुछ है, या फिर मतलब मुझे आराम से उतरना जल्दी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, टू प्रेस करते देखो सीट थोड़ी पीछे चली जाती है, फिर मैं आराम से उतर जाता हूँ ऐसे। तो फिर आके अंदर बैठता हूँ, दोबारा मैं यहाँ से वन प्रेस करता हूँ, सीट दोबारा मेरी अपनी पोजीशन पे आ जाती है। सस्ता वेलकम फीचर। बट एक्चुअली में भाई ये लॉन्ग ट्रिप में अगर दो लोग ड्राइव करते बहुत आसान है। और हाँ एक और चीज भाई, इसका कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है। दिन में तो वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, रात में भी जो इसकी बैक लाइट है ना वो लाल से जलती है, वो भी संभाल लेता है, मतलब कहीं मुड़ना हो या कुछ भी हो। इस गाड़ी में जिस रेट की गाड़ी है भाई, इन्होंने वही अपना मॉडल डिफरेंशिएट करने के लिए 360 कैमरा नहीं दिया लिमिटेड में, जो कि मुझे लगता 360 थोड़े देख ले नहीं देते, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी था फ्रंट में कैमरा दे देते। वैसे तो फ्रंट में कैमरे की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट सम टाइम आप गाड़ी चलाने वाले हो, कई बार आगे डोगी के बच्चे बैठे होते हैं कुछ, मैं थोड़ा सा हाँ मतलब मैं सोचता हूँ, बस वही फील होता है मुझे कि आगे जब गाड़ी कहीं खड़ी है 4 घंटे से, मैं बिना आगे ध्यान दिए आके बस बैठ गया गाड़ी में। ड्राइविंग करते टाइम जैसे आप गाड़ी को टर्न लेते हो ना, तो गाड़ी में क्या है वोबल इफेक्ट आता है ना, ये बात स्कॉर्पियो वाले समझेंगे, क्योंकि गाड़ी की हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। मे बी वो चीज भी हेल्प करती है उसे बैलेंस करने में, या इन्होंने खुद भी बैलेंसिंग बना रखा हो तो वो चीज ज्यादा फील नहीं होता। अगर आप शार्प टर्न भी ले लेते हो तो इतनी ज्यादा वोबल नहीं है। उसके बाद एक कमी है इस गाड़ी के अंदर, वो शेयर करता हूँ। एसी को बंद कर दिया, गाड़ी हम लोग पहले गियर में लगा के ना, पहले नहीं एक काम करते दूसरे में रख के एक कॉन्स्टेंट स्पीड रखेंगे, तब आपको पता लगेगा। ध्यान से सुनना आप, यहाँ कुछ नोटिस किया आपने, गाड़ी जब चल रही थी तो वैसे तो मैं रफ रोड पे चला रहा था तो थोड़ा बहुत आवाज तो गाड़ी में आई जाती है सभी में, लेकिन इसके अंदर ना एक रैटलिंग नॉइज है। अब रैटलिंग नॉइज को मैं थोड़ा डिफाइन करना चाहूंगा। जैसे देखो यहाँ चल रहा हूँ मैं, यहाँ पे बीच में कोई एक आधी आ गई कट से आवाज तो ठीक है, नहीं तो नहीं आती। या फिर अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो, म्यूजिक सुनते हुए आपके मन में आता है कि हाँ भाई उस टाइम भी कोई आवाज नहीं आती, लेकिन जब मैं म्यूजिक नहीं सुनता या फिर शांति से चल रहा हूँ किसी रोड पे, मेरा मन है कि भाई हाँ मैं म्यूज़िक वगैरह नहीं सुनना चाहता, तो जब झटके आते हैं या कई बार गाड़ी को कहीं ऊंचाई पे ऐसे चढ़ाना हो या रोकना हो तो एक रैटलिंग नॉइज आती है, कट कट की आवाज़। हो कहाँ से आती है मुझे भी नहीं समझ आया आज तक, गाड़ी में कहीं से तो आती है। और ये चीज मैंने पता किया, ये प्रॉपर इस यूनिट में नहीं है, रिसेंट कुछ टाइम से जितनी जीप कंपस आ रही है उनके अंदर ये है। ये मैंने जितना वो चेक किया अपने नॉलेज से, गूगल किया, जो सारी चीज़ें करी, जो कि डेफिनेटली ऐसे ध्यान नहीं जाएगा आपका। आप दोस्तों के साथ बैठे हो, किसी के साथ बैठे हो या म्यूजिक सुनते हुए जा रहे हो, और अगर आप ध्यान ज्यादा नहीं दे रहे हो बट आप शांति से चल रहे हो तो फील होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा चीप एक्सपीरियंस देता है। इस चीज को मैं इसी वर्ड से कहूंगा, चीप एक्सपीरियंस, बिकॉज जब आप गाड़ी में इतना पैसा लिया जा रहा है। मैं सर्विस सेंटर भी गया था, सर्विस सेंटर वाले कह रहे हैं यस हम इसको देखते हैं कि हाँ आप आ जाओ, हम ना सही करने की कोशिश करेंगे। तो इस मामले में भाई जीप को सच में सीरियस होकर काम करने की जरूरत है। अब जो दिया जो नहीं दिया हो तो आप किसी वीडियो में देख सकते हो। इसके अलावा मुझे इस गाड़ी से 1% प्रॉब्लम नहीं है। और एक और चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, कई लोग कहते हैं जैसे ये ऊपर की तरफ सनरूफ बोलते हैं ना इसको, तो इसको मैंने सुना है कि ये सिर्फ शौक है, बाद में इसका कोई यूज नहीं करता। इट डिपेंड्स, मतलब इस पे मेरा क्या ओपिनियन है। पर्सनली अगर मैं हूँ, मुझे तो ये गाड़ी में चाहिए। अब आप कहोगे भाई क्यों, मैं बताता हूँ इसको मैं कैसे यूज करता हूँ, कब इसको ओपन करता हूँ। जैसे अभी ओपन कर रखा है ये, जैसे बारिश हो रही है या कहीं घूमने गए आप, या शाम का टाइम है, मैं इसको मतलब जैसे मैं गाड़ी में यहाँ पीछे बैठा हूँ ना, तो जो बंदा पीछे बैठा उसके लिए देखो आप, अगर दो लोग बैठे हैं तो यहाँ एक और बंदा बैठा होगा, बट जहाँ से देखो आप क्या ही यहाँ पे व्यू मिलता है, इधर देख सकता है, इधर देख सकता है, ऊपर देख सकता है, रात के नज़ारे, सिटी में लाइटें जल रही, पहाड़ों में घूम रहा है, इधर देख सकता है गाड़ी से। तो ये प्रैक्टिकल फीचर है, डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से सोचते हैं। और स्पेस से आधा है भाई, गाड़ी के अंदर स्पेस कितना फील होता है। ये गाड़ी बनी है भाई मैक्स टू मैक्स 4 लोगों के लिए, पांचवा यहाँ बैठ सकता है, बट इतना कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि जो इसकी सीट है ना यहाँ से बाहर है, फिर थोड़ी सी अंदर है, और फिर बीच में ये हम्प भी है, तो उसकी वजह से क्या होता है वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल बीच वाले को स्पेस मिलता नहीं है। ये खत्म हो गया था भाई, मैंने ये वाला लगाना पड़ा। मतलब लॉन्ग ट्रिप नहीं कर सकता, लेकिन हाँ शॉर्ट ट्रिप आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन 4 आदमी के लिए ना, जो इसके अंदर नीचे थाई
सही सपोर्ट मिलता है या फिर जो कंफर्ट मिलता है, और ये तो होगा ही, जाहिर सी बात है, ये सारी चीजें मिला के मस्त रहता है। चार आदमी के लिए रिकमेंडेड है। अगर आप पांच लोगों को लेके आपको लगता है लॉन्ग ट्रेवल करना है तो XUV700 या फिर हैरियर, और वहीं पे अगर और ज्यादा लोग हैं तो फिर सफारी या फिर इनोवा। सो फाइनली मैं ये कहूंगा भाई, मुझे आई एम हैप्पी विद माय परचेज, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, काफी सही रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस, मैंने सारा शेयर कर दिया। तो अगर आप लेने की सोच रहे हैं, ये गाड़ी आपको एक बहुत अच्छा ड्राइव एक्सपीरियंस देगी, आपको ये एक रोड प्रेजेंस भी देगी अगर आपको बड़ी गाड़ी नहीं पसंद है तो, क्योंकि ये ऊंची नहीं है, लंबी है, वो आपकी पसंद पे है। तीसरा, आपको ये एक कॉन्फिडेंस देती है ड्राइव का। चौथा, आपको ये भी लगता है कि हाँ रोड पे कुछ मैं अलग लेके चल रहा हूँ। पांचवा, इंटीरियर खुश रखेगा। छठा, सिर्फ वही है, इसका रैटलिंग नॉइज, जो कि आप या तो किसी की गाड़ी लेके पता कर सकते हैं या फिर जो शोरूम में होती है ना ट्रायल के लिए, बहुत पुरानी वाली ट्रायल मत लीजिएगा, उसमें ये चीज नहीं थी, रीसेंट कुछ टाइम वाले में देखने को मिला है, तो आप 2-3 हज़ार किलोमीटर जो चली होगी ना उससे आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो भी पसंद आई होगी, और आप बताना मुझे कमेंट करके भाई थोड़ा बहुत कार और का एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा, कैसा लगेगा, ट्राई किया जा सकता है।